हाउ आर विवान? आप एडमिशन हो? रुको, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओके, हाँ मैम। हाँ विवान, आप न्यू एडमिशन हो? यस मैम। आपने पब्लिक में ज्वाइन किया है बेटा? ओके, हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आप कैसे हो? फाइन, वेरी गुड। अभी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, फर्स्ट वी डू प्रेयर। जॉइन योर हैंड्स, जॉइन योर हैंड्स एवरीवन, फास्ट एंड क्लोज योर आईज। सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। नाउ स्पीक विथ मी ओम भूर्भुवस्व टू टाइम। ओके, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही। नाउ रब योर पाम फास्ट, फास्ट रब योर पाम एवरीवन, पुट देम ऑन योर आईज। नाउ स्लोली स्लोली ओपन योर आईज, फील फ्रेश एवरीवन, फील फ्रेश। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। How are you all? We are fine. ऐसे बोलना है ना? Yes, very good. So first I am taking your attendance. Give me answer in chat box. Yes, ma'am. Now turn off your camera, everyone. Turn off your camera. सब कैमरा बंद कर दो। विवान, आप भी कैमरा बंद करो। ओके, ऑप्शन आर बी, गिव मी आंसर फास्ट। ओके, ऑक्स आर वी? यस, सियाना आर वी, आर वी हियर, ज्ञानेश, जैना जोशी, जिया सुरेलिया, जियान, कृषिल, कृषिल, खुशी, खुशी, लिसा। Thank you.
निश्वा, प्रियांश, प्राही, प्रांजल, उपेंदु, बिहान, विविका, विवान, याग्निक, याग्निक दत्रोजा हीरा प्रेजेंट है तो यस मैम क्यों नहीं बोला? प्रांजल ने नहीं बोला, प्राही ने नहीं बोला, प्राही ने बोला, प्रांजल ने नहीं बोला था। Okay, now start our session. Yes, let's start our today's session. Go to the flashcard. First we saw the flashcard. Chalo, revise our work. Okay, everyone. Which was the ये कौन सा स्वर है? अ, अ से अदरक, आगे कौन सा कौन सा स्वर आता है?
बड़ाई, बड़ाई से एक, बड़ाई से ईद, बड़ाई से ईद, बड़ाई से ईना। बड़ाई के बाद कौन सा स्वर आएगा? यस टेल मी। अभी आ गया प्रियांश, प्रियांश क्लियर हो जाइए मेरी। बड़ाई से इनाम, बड़ाई के बाद कौन सा स्वर आता है? ओ, ओ से उल्लू, ओ से उपहार, ओ से उपहार, ओ से उल्लू। ओ के बाद कौन सा स्वर आएगा? बड़ा ओ। सॉरी नेटवर्क चला गया था इसलिए। हाँ बेटा मुझे पता है कि आवाज नहीं आ रही थी। तो अभी सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सबको अभी दिखाई दे रहा है? सब अपना कैमरा बंद करो। तो पहले टर्न ऑफ योर कैमरा एवरीवन, तो ही सबको अच्छे से दिखेगा। उसे ऊन, ओ से ऊट, ओ से उदबिलाव, ओ से उषा। पड़ाव के बाद कौन सा स्वर आता है? टेल मी। बड़ाव के बाद कौन सा स्वर आएगा? वेरी गुड ध्याना। री, री से ऋषि, री से ऋग्वेद, री से ऋषभ, री से ऋषि, री से ऋग्वेद, री से ऋषभ। री के बाद कौन सा स्वर आता है? ए, ए से एडी, वेरी गुड निशा। ए से एक, ए से एल्बम, ए से एक तारा। ए के बाद कौन सा स्वर आएगा? यस ए, अगेन ए, इसको क्या बोलते हैं? ए, ए, ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ए से एम्बुलेंस, ए से ऐनक, ए से ऐरावत, ए से एम्बुलेंस। ए के बाद कौन सा स्वर आएगा? गिव मी आंसर, बताए। वेरी गुड ध्याना। ए के बाद ओ। आज हमारा ये नया टॉपिक है, नया स्वर है। आज हम कौन सा स्वर सीखने वाले हैं? ओ, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओढ़नी, ओ से ओट। ओखली मतलब आप सबके घर ओखली तो होगी ही। ओखली में हम क्या करते हैं? मम्मी क्या करती है? इसमें अदरक, मिर्ची, लहसुन, मसाला वगैरह कूटती है ना, ऐसे। फिर ओस का मीनिंग क्या है? देखो ये एक पत्ता है, लीफ। उसके ऊपर पानी की बूंदे दिखाई दे रही है सबको। जैसे विंटर आता है तो विंटर में कैसे होते है? ठंडी हवा चल रही है, फिर धुम्मस होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? पानी की बूंदे चारों ओर फैल जाती है धुम्मस की वजह से। आप देखना जब विंटर में उठो ना, तो आपको
सारी जगह धुआं जैसा दिखता होगा, उसको क्या बोलते हैं? ओस। वो पानी की बूंदे होती है, लीफ के ऊपर देखना, घर में भी आपकी पॉट होता है उसमें पत्ते होते हैं, उसमें क्या होता है, ऐसा हो जाता है पानी की बूंदे, उसको क्या बोलते हैं? ओसे ओस। फिर ओढ़नी मतलब दुपट्टा, वो तो पता ही है सबको, मम्मी ड्रेस पहनती है या दीदी पहनती है, गर्ल्स पहनती है या फिर बॉयज भी, देखो जैसे सलवार सूट पहनता है वो धोती पैजामा, उसमें भी कभी कभी ओढ़नी आती है, पता है? और ओ से ओ मतलब लिप। पेज नंबर 12 इन अक्षर रचना, आज का हमारा वर्क किसमें है? अक्षर रचना में। तो उसमें आज हम क्या सीखने वाले हैं? ओ। क्या सीखने वाले हैं? ओ। क्लास वर्क में कितना है? हाफ पेज। ओके, टेक आउट योर ईदी अक्षर रचना इन ओपन पेज नंबर 12। विच पेज नंबर? ओपन पेज नंबर 12। ओके, ओ से क्या क्या होता है? आज का हमारा स्वर है ओ। ओ से क्या क्या होता है मैंने आपको दिखाया ना, ओ से ओढ़नी, ऐसे होती है ना, ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ऐसे होती है ओखली, ओ से ओखली। ओके, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी है अक्षर रचना वाली। ओके, अक्षर रचना में आपको लाइन दी है ना, पिंक ब्लू एंड येलो, वो लाइन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। तो फर्स्ट लाइन आपकी क्या है? ट्रेसिंग। फर्स्ट थ्री लाइन क्या है? ट्रेसिंग। तो पहले हम क्या मेंशन करेंगे? फर्स्ट यूर। मैंने सबकी बुक चेक की है, लेकिन किसी किसी बच्चे ने क्लास वर्क एंड डेट मेंशन किया है। अब से अगर सभी ने मेंशन नहीं किया तो मैं वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दूंगी। ओके, ओके, फर्स्ट यू ऑल मेंशन हियर टुडेज क्लास वर्क एंड डेट, क्लास वर्क एंड डेट, एंड विच डेट इज टुडे? टेल मी विच डेट इज टुडे। वेरी गुड विहान, टुडेज डेट इज 4 एंड मंथ इज ऑगस्ट, विच मंथ? ऑगस्ट। एंड विच इज द स्पेलिंग ऑफ ऑगस्ट? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ऑगस्ट? AUGUST, AUGUST, ऑगस्ट, AUGUST, ऑगस्ट। And which year is going on? 2021. Okay? So first मैं आपको tracing वाले line यहाँ पे draw करके दिखा देती हूँ। How to trace? वो मैं सिखा देती हूँ। Okay everyone? चलो, तो फर्स्ट थ्री लाइन है वो आपकी ट्रेसिंग है। तो
तो उसमें कैसे ट्रेस करोगे? फर्स्ट यू ड्रॉ हाफ कर्व, ब्लू लाइन टू येलो लाइन ड्रॉ हाफ कर्व, देन येलो लाइन टू ब्लू लाइन अगेन हाफ कर्व, देन स्लिपिंग लाइन, येलो लाइन में कौन सी लाइन आएगी? स्लिपिंग लाइन। Then blue line to pink line, standing line, which line? Sorry, blue line to blue line, standing line आएगी, which line? Blue line to blue line, standing line. Okay? कैसे आपको लिखना है? फर्स्ट आपको क्या करना है? ब्लू लाइन टू येलो लाइन ड्रॉ हाफ कर्व, देन येलो लाइन टू ब्लू लाइन अनदर हाफ कर्व, देन येलो लाइन में कौन सी लाइन आएगी? स्लिपिंग लाइन, विच लाइन? स्लिपिंग लाइन। देन ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन वन मोर स्टैंडिंग लाइन, देन pink light to blue line, that left to right slant line, and slipping line. कौन से लाइन में आएगी स्लिपिंग लाइन? ब्लू लाइन में हाफ कर्व, अनदर हाफ कर्व, स्लिपिंग लाइन, मेक टू स्टैंडिंग लाइन, देन अपसाइड लेफ्ट टू राइट स्लंट लाइन, देन ब्लू लाइन इन स्लिपिंग लाइन। तो ये कौन सा स्वर बन गया है? ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओस, ओ से ओठ, ओ से ओखली, ओ से ओढ़नी, ओ से ओस। आपको लिखते जाना है और साथ में बोलते भी जाना है, ताकि एग्जाम में जब हम पिक्चर दे तो सबको याद रहे कि ओ के रिलेटेड कौन से पिक्चर है, यू नो। ओके, मैं सबको बोर्ड वर्क दिखाती हूँ। सबको दिख रहा है ये बोर्ड वर्क? एवरीवन, सबको दिख रहा है अच्छे से? गिव मी आंसर। सबको अच्छे से बोर्ड वर्क दिख रहा है? यस। सो ये दिस इज टुडेज अवर क्लास वर्क। ये क्या है? हमारा क्लास वर्क है अक्षर रचना में हाफ पेज। ओके, टुडे इज अवर क्लास वर्क इन अक्षर रचना हाफ पेज। ओ से ओढ़नी, ओ से ओखली, ओ से ओठ, ओ से ओस, और कितने सारे ऐसे वर्ड है जो आपके आजू बाजू में या कहीं पे भी आपको सुनने मिलते होंगे जो ओके रिलेटेड हो। ओके, ओके, सो गो फॉर अवर क्लासों की अक्षर रचना। अच्छा, सबने अक्षर रचना में लिखना स्टार्ट कर दिया है? यस, वेरी गुड एवरीवन।
तो ये अब हमारा आज का क्लास वर्क पेज है. ओके, फर्स्ट आपने क्या मेंशन किया है, क्लास वर्क एंड टुडे इज डेट. ओके, एंड थ्री लाइन आपको क्लास वर्क में कंप्लीट करनी है, ट्रेसिंग है. ओके, और जो यहाँ पे आपके सेकेंड लाइन में टू बॉक्स एंड थर्ड लाइन में थ्री बॉक्स दिए है ब्लैंक, उसमें आपको कैसे लिखना है, समझ आया कैसे लिखना है. फर्स्ट आप क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे ब्लू लाइन टू येलो लाइन हाफ कर्व, देन येलो लाइन टू ब्लू लाइन अनदर हाफ कर्व, देन येलो लाइन स्टैंडिंग लाइन, देन क्या करोगे, पिंक लाइन टू ब्लू लाइन स्लंट लाइन टू स्प्लिटिंग लाइन. ये क्या आपने कौन सा सर बनते हैं जो ओ से ओकली ओ से ओकली ओ से से लुक एट ईयर, यहाँ पे भी आपको ओढ़नी की पिक्चर दी है. लुक एट ईयर, दिस इज ओढ़नी मीन्स दुपट्टा एंड दिस पिक्चर इज ओखली. आवाज कट हो रही है विहान, राइट? अभी आ रही है. देखो ये आपका आज का क्लास वर्क है. ओके, थ्री पेज इस क्लास वर्क, एंड यहाँ पे नीचे आपको क्या दिया है, चित्र के प्रथम अक्षर पर सही का निशान लगाइए. ये कौन सी पिक्चर है, विच पिक्चर इज दिस, गिव मी आंसर इन चैट बॉक्स. ये चित्र पे जानकर मुझे आंसर दो कि ये कौन सी पिक्चर है, उसमें यहाँ पे कहाँ पे टीका आएगा, फर्स्ट में, सेकेंड या थर्ड में. ओ से ओखली होता है, ओ से ओखली या आ से ओखली होता है, मैं यहाँ पे कहाँ पे राइट लगाऊ, हियर हियर या हियर, फर्स्ट वन सेकेंड या थर्ड वन, किसमें मैं राइट करूँ. वेरी गुड, सेकेंड. यहाँ पे क्या लिखा है, ओ से ओखली, ओ से ओखली, तो ये इसका सही अक्षर हुआ ना, ओ से ही ओखली होता है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे. ओके, राइट. एंड आवर होमवर्क इज देयर, थ्री लाइन आपकी जो रिमाइंड है बाकी बची है वो आपका होमवर्क है. तो मेंशन क्या करना है, होमवर्क एंड डेट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, सबको समझ आ गया है आज का क्लास वर्क एंड होमवर्क. नाउ टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन, टर्न ऑन योर कैमरा फास्ट. चलो जिसको समझ नहीं आया ना वो मुझे बोलो कि मैम अनम्यूट करो, उससे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ. ओके, जिसको समझ नहीं आया वो मुझे पूछो, उसे मैं अनम्यूट करूंगी. वेरी गुड लिसा, आई एम क्लैपिंग फॉर यू बेटा, यू ऑल्सो राइट इन गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड. अगर कुछ क्वेरी है वर्क के रिलेटेड तो गिव मी क्वेश्चन. ओके, वेरी गुड जैना, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप. अब सर वे कैमरा ऑन करो तो मुझे देखेगा. ओके, वेरी गुड जैना, कैमरा बंद कर देना. ओके, बाद में सिवान, वेरी जो क्लास वर्क, आपने बुक सब ले लिए बेटा कि अभी बाकी है पे करनी, आपने बुक ले ली बाकी है. ओके,
ओके कोई बात नहीं, आप ले लेना ओके, बाद में राइटिंग कर लेना ओके। निश्वा सोमियो बहु निश्वा, वेरी गुड निश्वा, रिपीट अप बेटा, यू ऑल्सो राइट इन गुड हैंड राइटिंग, वेरी गुड। नाउ टर्न ऑफ योर कैमरा, वेरी गुड जियान, यू ऑल्सो राइट इन गुड हैंड राइटिंग, नाउ टर्न ऑफ योर कैमरा जियान, आप नोटबुक में तो लिख सकते हो ना बेटा, नोटबुक में आपने किसी पेज में लिखा, अगर आपके पास कोई भी ब्लैंक पेज है ना तो उसमें भी आप राइट करो ओके। नहीं मैम नहीं, आपको लिखना है ओके। अगर आपके पास कोई भी बुक है या ब्लैंक पेज है ना, कोई भी पेज के ऊपर आप लिख के दिखाओ मुझे ओके। जो मैंने आज सिखाया है ना वो आप लिख के मुझे दिखाओ। चलो सब कैमरा ऑन करो, टर्न ऑन कैमरा एवरीवन फास्ट, क्योंकि हमारा सेशन डन होने आया है ना। ऑन ही है तो रुको, मैं लैपटॉप पर ज्वाइन होती हूँ ओके। फिर से वेरी गुड हीर, हीर आपने नोटबुक में क्यों लिखा है, अक्षर रचना कहाँ गई हीर? विहान वेरी गुड विहान, वेरी गुड ज्ञानेश, क्लैपिंग फॉर यू बेटा। चलो जिसका मैंने देख लिया है वो कैमरा बंद करो ताकि मुझे दूसरे बच्चे का दिखे। फिर ज्ञानेश टर्न ऑफ योर कैमरा बेटा। चलो ऑप्शन आ भी आपको मुझे दिख ही नहीं रहा है बेटा। बीवी का सौम्य बुक, वेरी गुड, आई एम क्लैपिंग फॉर यू। अगेन मैं लीव होके ज्वाइन होती हूँ। वेरी गुड जियाना, विविका मैंने आपका देख लिया है बेटा, कैमरा बंद कर दो। शैना आपका भी देख लिया था, वेरी गुड जैना, वेरी गुड जियाना, जियाना कैमरा बंद करो। अब सर भी मुझे आपका दिख ही नहीं रहा है। चलो जिसका अभी बाकी है वो मुझे दिखा दो। तो मुझे किसी का कैमरा ऑन नहीं दिखा रहा है मैम, बाकी सबका डन हो चुका है, मैंने सबके कैमरे भी ऑफ करवा दिए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा है। मैं तीन बार लेफ्ट होके ज्वाइन हुई हूँ। विमान अभी थोड़ी देर के लिए आप कैमरा बंद कर दो विमान।
विवान थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद कर दो बेटा, ताकि मुझे दूसरे का दिखे। ओके चलो फिर से मैं सब अपना कैमरा बंद करके चालू करो। नो अभी भी मुझे नहीं दिख रहा है, रुको फिर से मैं लेफ्ट होके ज्वाइन होती हूँ। ओके प्रांजल एंड साल्वी का दिखा, वेरी गुड बोथ ऑफ यू, आई एम क्लैपिंग फॉर यू, वेरी गुड। नाउ टर्न ऑफ योर कैमरा प्रांजल एंड साल्वी, वेरी गुड बेटा, कीप इट अप, वेरी गुड। साल्वी टर्न ऑफ योर कैमरा बेटा एंड सिट प्रॉपर, राही का नहीं देखा मैंने, अक्षरवी का भी नहीं देखा है। शायद नेटवर्क इश्यू होगा, मैं वहां पे इसीलिए नहीं दिख रहा है मुझे। ओके और मैंने ये इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया है ओके रिलेटेड, उसमें मैंने एक्टिविटी की है, तो वो आपको एक्टिविटी करके मुझे सेंड करनी है। ओके एवरीवन, सब लोग एक्टिविटी का वीडियो देख लेना, मैंने कल एक्टिविटी भी डाली है, जो हमारी एक्टिविटी होती है ना एक्टिविटी पीरियड, वो भी देखना, और ये ओके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी देखना, और उसमें जो मैंने दोनों एक्टिविटी की है वो मुझे सेंड करना सब लोग। ओके बना के सो नाउ अवर सेशन इज डन हियर, सो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। यू ऑल टेक केयर, ओके बाय। और मम्मी पापा को ज्यादा परेशान मत करना, ओके बाय। दादा दादी को भी परेशान मत करना, अच्छे से पढ़ाई करना, क्लास वर्क होमवर्क करना। ओके बाय 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 बेटा।